नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिले में लगातार प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच गर्मी में आमजन परेशान नजर आ रहा है। राहगीरों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के समाज सेवी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं ताकि शुद्ध पेयजल पीने में आसानी हो। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में मरीजों की सुविधा के लिए समाज सेवी रामजी मित्तल ने ठंडे पानी का वाटर कूलर लगाकर अस्पताल को समर्पित किया। डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने कहा कि नए अस्पताल परिसर में एक वाटर कूलर है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने और भीषण गर्मी के कारण एक कूलर की कमी थी। आज वह कमी पूरी हो गई है। इस दौरान डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने समाज सेवी रामजी मित्तल का आभार प्रकट किया। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अभी ने अपना दर्द को धड़का है और गर्मी को देखते हुए हमने अस्पताल में होते तो डॉक्टर अभिलाषा पांडे जी, जिनका भरपूर सहयोग प्रविंदर जी है, इन सभी सहयोग के माध्यम से मरीजों को और आवश्यकता देखी कि आगे प्रकट है और उससे मरीजों को पूर्ति नहीं हुआ जो क्या काफी है। गर्मी को देखते हुए तो समाज सेवी लोग आगे बाद राम जी ने किया कि प्रकाश के अवसर पर इस वाटर कूलर यहाँ है और भी यहाँ हमने कुछ चीज़ों की कमी करी है और हम समाज लोगों से आग्रह करें, निवेदन करेंगे यहाँ की आवश्यकता को देखते हुए उनको पूरा करेगी। जैसे कि यहाँ हर वार्ड के अंदर कूलर नहीं है, जो गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर आवश्यकता वो कूलर व्यवस्था करवा सकते हैं और भी आपकी तो अस्पताल प्रबंधन के माध्यम से जो है कमियों को पूरा करने का हम प्रयास करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।